तेजी में पहुंच गई और मैं पहुंची हूँ सल्तनत में। ये एक सल्तनत है, खानों की सल्तनत है। ये है एक ओपन एयर, बहुत बड़े एरिया का रेस्टोरेंट। ये कहते हैं सोच समझ कर रखना हमारी सल्तनत में कदम, हमारे जायकों की कैद में जमानत नहीं है। बहुत बड़ी जगह है, यहाँ मल्टीपल सिटिंग एरियाज हैं, तख्त का भी सेटअप है, टेबल और चेयर भी मौजूद है, एंड टॉप ऑफ ऑल दे हैव द लाइव म्यूजिक गोइंग ऑन। आप मेरी सराउंडिंग में देख रहे हैं, ओपन किचन है फॉर ऑल, ताकि जो उनके दावे है वो सिर्फ आप सुने नहीं बल्कि यहाँ आके अपनी आंखों से देखे। यहाँ बेकरी से फ्रेश फ्रेश केक आपको मिल सकता है। मैं इनके रूफ टॉप पे मौजूद हूँ और इस जगह की वाइब भी डिफरेंट है। Time to have their yummy, yummy food. One of the yummiest food I had. एक एक चीज बहुत मजे की। हटो हटो रास्ते से हटो। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पहुंची, अपने येलो स्कूटर पे। आज हमें बहुत ही आला जगह पे मौजूद है और ये एक सल्तनत है, खानों की सल्तनत है। ये है एक ओपन एयर, खुला डुला, बहुत बड़े एरिया का रेस्टोरेंट। ये आपको पता क्या वाइब दे रहा है? ये आपको वाइब दे रहा है जैसे हम अपने हाईवेज पे जाके रेस्टोरेंट्स में खाते ना, वैसी वाली वाइब आ रही है। बाय द वे, ये सल्तनत मौजूद है शहर के बीचों बीच, गुलिस्ताने जौहर में। पहले एरिया जो था ड्राइव इन सिनेमा होता था। मैं आपको अभी डिस्कवर कराती हूँ कि सल्तनत में क्या क्या है। खाने भी मजेदार है, एनवायरमेंट भी जबरदस्त है, लेकिन साथ साथ एक बात तो मैं आपको बताते चलूं। ये कहते हैं सोच समझ कर रखना हमारी सल्तनत में कदम, सोच समझ कर रखना हमारी सल्तनत में कदम, हमारे जायकों की कैद में जमानत नहीं है। चलो भाई, तो हमारे सल्तनत में मैडम राफिया तशरीफ फरमाओ, उनके लिए कहते हैं कि आप आई तो माहौल रोशन सा हो गया, कितना हसीन आज का मंजर सा हो गया, और कैफ ये नजारे ये जगमगाते तारे, चांद भी आपको देख के बादल में छुप गया। क्या बात है, और आपका शाही इस्तकबाल किया जाता है। वेलकम टू सल्तनत रेस्टोरेंट, खैर मकदम करते हैं आपका। चले जी, चले चलते हैं। जी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा वेटिंग एरिया है जो बिल्कुल एंट्रेंस के साथ ही वेटिंग एरिया बना हुआ है। ये वेटिंग एरिया क्यों बना हुआ है? क्योंकि यहाँ पर वीकेंड्स में या स्पेशल ओकेजंस में इतना रश होता है, लोग दो दो तीन तीन चार चार घंटे भी वेट करते हैं, लेकिन यहाँ से कहीं और नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो कहते हैं कि जिंदगी तो वही जीता है जो सल्तनत आता है। अच्छा जी, ये बहुत ही मज़े की जगह है, बहुत बड़ी जगह है, यहाँ मल्टीपल सिटिंग एरियाज हैं। इस वक्त मैं जिस सिटिंग एरिया में मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे फैमिलीज भी देख सकते हैं। यहाँ पर फैमिलीज आके एंजॉय करती हैं, इनके पास तख्त का भी सेटअप है अगर आप तख्त पे बैठ के खाना चाहते हैं, अदरवाइज टेबल और चेयर भी मौजूद है, एंड टॉप ऑफ ऑल दे हैव द लाइव म्यूजिक गोइंग ऑन। अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप कुछ गाएं तो आप जाके अपनी आवाज़ से सबको एंटरटेन करवा भी सकते हैं। यहाँ पे बैठ के सिर्फ म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे भी, पर उन्होंने वेलकम ड्रिंक मुझे ला के दे दिया, विच इज पीच आइलैंड, क्योंकि ये पीच लगा हुआ है इसके साथ। सो दिस इज पीच आइलैंड, बहुत मज़ेदार है और म्यूजिक के साथ तो और मज़ा आएगा। मिल जाए इस सल्तनत में जो लम्हे, मैं बाकी जिंदगी तेरे नाम कर दूं। All right.
राइट एवरीबॉडी, मैं उस वक्त से आपको सल्तनत रेस्टोरेंट घुमा रही हूँ, इतनी सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। आप जानते हैं कुछ सल्तनत रेस्टोरेंट के बारे में फ्रॉम द पर्सन जो इसके ओनर हैं। हारिस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हारिस करीम, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हारिस साहब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं कैसे? परफेक्टली फाइन। और आपके रेस्टोरेंट आके तो बस मेरी तो जैसे कहते हैं तबीयत ही खुश हो जाना, इट्स दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग। और ये मैं दिल से कह रही हूँ, आई फेल्ट इट। तो अब हम थोड़ा सा ना रेस्टोरेंट का जो एक होता नहीं, इंसान का विजन होता है, कुछ सोच के वो सब कुछ क्रिएट करता है, तो हारिस से पूछते हैं कि उन्होंने उनका विजन क्या है इस रेस्टोरेंट के पीछे। जी हारिस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। विजन मैडम ये है कि कराची के अंदर मिडल ऑफ द सिटी कितनी सेफ एंड साउंड विद हैविंग ऑल दी ऑल सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, तो एक जॉइंट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट मैं एक विजन रखता था। और जो फूड इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं दैट इज़ बियॉन्ड कि वो कमर्शियली लोग उनको उस इंग्रेडिएंट्स को यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका आई थिंक प्रॉफिट मार्जिन्स ज़ाहिर है, यू डू द बिजनेस फॉर द प्रॉफिट। तो यहाँ पे थोड़ी सी इंटेंशन ये थी कि दैट इज़ द पैशन, कि लोगों को बेहतरीन मायारी क्वालिटी का खाना जो है ना वो लोगों को खिलाया जाए। तो हमने उस कंसर्न को मद्देनजर रखा और हमने अपना किचन ही ओपन कर दिया। तो यू गो देयर, यू सी व्हाट इंग्रेडिएंट्स वी आर यूजिंग। जब हमारा माइंडसेट ये है कि हमने प्रॉफिट के पीछे काम ही नहीं करना है, तो जब प्रॉफिट नहीं देखना तो जो पैशन है उसको तो एटलीस्ट अच्छे से हम निभाएं। ऑलराइट जी, आप मेरी सराउंडिंग में देख रहे हैं ओपन किचन है, ओपन किचन है फॉर ऑल, ताकि जो उनके दावे हैं कि भाई हम खाना ऐसे बनाते हैं, ये चीज़ इस्तेमाल होती है, वो सिर्फ आप सुने नहीं बल्कि यहाँ आके अपनी आँखों से देखें। यहाँ पे वर्जन ऑयल यूज़ होता है, वर्जन ऑलिव ऑयल यूज़ होता है, यहाँ पर देसी घी इस्तेमाल होता है, यहाँ पे बटर इस्तेमाल होता है, हर चीज़ बहुत हाइजेनिकली यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है और ये सब के लिए ओपन है। जिस तरह मैं अभी किचन में खड़ी हूँ, आप भी आएँ अपना खाना खुद बनते हुए अपनी आँखों के सामने अगर आप देखना चाहते हैं तो खड़े होकर देखिए मैंने जिस तरह कढ़ाई का बुना है, ये मेरे सामने बन रही है। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए ही आपको मज़ेदार, टेस्टी और साफ सुथरा खाना पेश किया जाता है। वैसे तो आपने बहुत बेकरीज देखी होंगी, लेकिन कभी आपने देखा है कि रेस्टोरेंट के अंदर ही बेकरी है? जिस तरह उन्होंने हर चीज को एक यूनिक टच दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने इसको भी एक यूनिक टच दिया हुआ है और कह रहे हैं कि एवरी फ्लेवर हैज अ स्टोरी। तो चले आइए अंदर चल के इनके ये फ्लेवर्स देखते हैं। आगे जी मैं इनकी बेकरी के अंदर, मैंने कहा हाँ फ्लेवर्स भी तो ट्राई करें। वैसे मैं सोच रही थी कितनी मजे की सिचुएशन है ना, जैसे किसी की बर्थडे सेलिब्रेट करनी हो, उसको सरप्राइज देना हो, तो अगर वो भूल गया हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं, यहाँ बेकरी से फ्रेश फ्रेश केक आपको मिल सकता है। लोग प्री ऑर्डर भी करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट केक लेके भी जाते हैं, कस्टमाइज केक्स भी होते हैं बाय द वे इनके, क्योंकि इनकी बेकरी है। चले जी मैं अब ये 3 मिल केक ट्राई कर रही हूँ और ये 3 मिल केक खा के आपको बताते हैं। तो सॉफ्ट, बड़ा मजे का स्पंज, मजेदार 3 मिल्क केक का फ्लेवर। और 3 मिल्क में सिर्फ एक बाइट तो खा नहीं सकती, पूरा स्लाइस खाऊंगी। वाह मजे का। ऑलराइट जी, अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं इनका अपना जूस और कॉकटेल बार है, यहाँ पे हर तरह का जूस अवेलेबल है, आप जो कहेंगे शेक, जूस, कॉफी, व्हाटएवर यू वांट इट्स देयर। और अभी आपने मेरा शुरू में वेलकम ड्रिंक देखा था, पैशन फ्रूट पंच, यहीं से तो बना था। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ मल्टीपल सिटिंग एरियाज हैं, वहाँ वो म्यूजिक के साथ था, फैमिलीज मौजूद थी। अब ये जो एरिया है ये थोड़ा सेग्रीगेटेड है, मतलब ये बॉयज ओनली एरिया है। अब
लड़कों को ना अपनी खास जगह चाहिए होती है, वो थोड़े लाउड होते हैं, उनको अपनी स्पेस चाहिए होती है और अक्सर वो परेशान होते हैं कि वो किसी पब्लिक जगह पे कैसे एंटर हो, क्योंकि वहाँ तो लिखा है फॉर फैमिलीज ओनली, तो उन्हें कोई फीमेल चाहिए होती है अपने साथ जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर आके आपको कोई टेंशन नहीं होगी, यहाँ पे एक स्पेशल जगह जो है वो अलॉट की गई है फॉर मैन, तो बड़ी मज़ेदार किस्म की जगह है स्पेशली फॉर बॉयज। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है ना मैं किसी और रेस्टोरेंट आ गई हूँ, नहीं मैं उसी रेस्टोरेंट में हूँ, वो इनका आउटडोर एरिया है, ये इनका इंडोर एरिया है और इंडोर कम कम लोग आते हैं जिनको गर्मी ज़्यादा लग रही होती है या खुद वांट टू हैव अ वेरी प्राइवेट साइलेंट टाइम, तो वो इंडोर आके बैठते हैं। बाहर लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम बाहर बैठें, तो सर बाहर बिल्कुल भी बैठने की जगह नहीं है, तो मैंने कहा इसी बहाने आपको अंदर का एरिया भी दिखा देते हैं। अगर आप आए हैं बहुत सारे बच्चों के साथ और आपको पता है बच्चे आपको बैठने नहीं देते, खुद भी भागते रहते हैं और अपने पीछे भी लोगों को भगाते रहते हैं, तो बड़ा अच्छा इंतज़ाम है जी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ आके बच्चे छोड़ दें। ये है इनका एक इंडोर प्लेइंग एरिया, बाहर भी कुछ प्लेइंग एरिया बना हुआ है, बाहर भी राइड्स हैं, अंदर छोटे बच्चों की राइड्स हैं, आपके बच्चे बहुत बिजी होंगे और वो खेलते रहेंगे और आप अपना खाना पीना और इन्वायरमेंट इन्जॉय करते रहिएगा। चलते फिरते हमें एक फैमिली मिली, बहुत सारे बच्चे भी हैं इनके साथ और ये यहाँ पर खाना खाने आए हैं, तो उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अनिका। अनिका, अनिका आप मुझे बताएं, दिस इज योर फर्स्ट टाइम हियर? या दिस इज माय फर्स्ट विजिट एट सल्तनत। जबरदस्त, व्हाई डिड यू Think of coming here? ऐसा क्या था कि आपको लगा the vibes attracted me, है ना? So that's why. अच्छा अभी आपको कैसा लग रहा है? अब तो आप आ गए हैं आप। I'm really happy because it's quite entertaining for my kids. Along with food, we got a lot of entertainment as well. Yes, so I'm happy. Yes, you're happy. अच्छा कुछ अभी खाया आपने यहाँ पर? Yeah, we had dinner and it was really good, outstanding dinner. And I must recommend everyone कि यहाँ जरूर visit करें, बहुत अच्छा restaurant है। क्या सबसे मजे का क्या था? I like handi. Handi was cheap. Handi, आपको क्या अच्छा लगा? मुझे भी handi पसंद आई। Handi, आपको क्या अच्छा लगा? मुझे पुलाव अच्छा लगा। आपको पुलाव अच्छा लगा? और मेरी बेटी को जोकर बहुत पसंद आया, वो घर लेके जाना चाह रही है। कहाँ है, कौन सी वाली बेटी है? ये जोकर लेके जाना। कौन सा जोकर अच्छा लग गया? वो वाला। और जोकर आंटी अच्छी नहीं लगी? आई तो क्यूट हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। वैसे तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव बर्थडे सेटअप्स लगते हैं, लेकिन ये कि इनकी वॉल है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर आप चाहते हैं आपकी बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट हो तो आप इस कॉम्प्लीमेंट्री वॉल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ, मैं ऊपर जा रही हूँ क्योंकि सुना है वहाँ कोई सेलिब्रेशन हो रही है, सो लेट्स गो एंड सी। फाइनली मैं इनके रूफ टॉप पे मौजूद हूँ और इस जगह की वाइब भी डिफरेंट है। इस जगह की वाइब मुझे ऐसी आ रही है जैसे हम दो दरिया के पास जाते हैं जहाँ समंदर होता है, वहाँ पे भी इसी तरह के वुडन जो है आपको सब कुछ मिलता है। और ये जगह जो है ये मुझे कैफे वाली फील भी दे रही है, ये जगह एक रेस्टोरेंट भी है, यहाँ फैमिली सी मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर तादाद जो है यहाँ पर यंगस्टर्स की है। इसका एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न जो मुझे पीछे नज़र आ रहा है वो ये स्क्रीन नज़र आ रही है, इसको देख के मुझे लग रहा है कि जब भी यहाँ मैचेस होते होंगे तो लाइव मैचेस यहाँ दिखाए जाते होंगे। जबरदस्त खुली मज़ेदार एनवायरनमेंट है और तो और हवाएं बहुत चल रही हैं, ये एनवायरनमेंट एक आइडियल एनवायरनमेंट है आपके फैमिली डिनर के लिए, वो भी इन द मिडल ऑफ द सिटी। ऑलराइट, आपको थोड़ा अंदाजा ऐसा हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि मैं किसी शादी में जूता छुपाई की रस्म में मौजूद हूँ।
नहीं नहीं मैं जूता छुपाई की रस्म में मौजूद नहीं हूँ। ये भी एक ओकेजन है जो यहाँ सेलिब्रेट हो रहा है, वो किस तरह का ओकेजन है ये हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आरिफ शेख। आरिफ साहब यहाँ क्या सेलिब्रेट हो रहा है, पूरा खानदान आया हुआ है? ये मेरी रिटायरमेंट के हवाले से सेलिब्रेशन हो रही है। ये आपकी रिटायरमेंट सेलिब्रेट की जा रही है? जी जी जी। अच्छा वैसे क्या मतलब रिटायरमेंट को इतना मेगा सेलिब्रेट करे, कोई खास रीजन है इस चीज का? मुझे भी इनको तो बिल्कुल नहीं पता था, ये हम पूरी फैमिली के लिए, ये हमारे पापा के लिए, भाइयों ने मेरे और ये बेटियों ने मिलके, उनको बिल्कुल कोई आईडिया नहीं था। आप बेटियां हैं, ओके। अब ये तो हो गया, आपकी सेलिब्रेशन भी हो गई, सेलिब्रेशन चल भी रही है, तो मुझे पता है ये सल्तनत आप लोगों ने सेलिब्रेशन के लिए क्यों सिलेक्ट किया, कैसा एनवायरनमेंट है? बहुत अच्छा खाने का यहाँ सुना था, बहुत अच्छा फूड्स है, बहुत एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत फूड क्वालिटी। यहाँ से भी रिप्लाई आ रहे हैं, हाँ जी, फूड की क्वालिटी अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्वांटिटी बहुत अच्छी है, मेन चीज क्वालिटी वाले। नहीं बहुत मजा आया, यकीन बहुत एंजॉय किया हमने आके, बहुत जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। सब लोगों को ऐसे हंसता बसता खुश रखे, बस ये दुआ करें माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। जी फाइनली टाइम टू हैव द यमी यमी फूड, मेरा खाना बस सर्व होने वाला है, मैं कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब आ गया आ गया। ऑल राइट शेफ, स्पेशल प्रॉन हैप्पी सर्व कर दीजिए। ऑल राइट जी, यमी यमी। लेकिन एक मिनट, आपको पता है मौसम जो थोड़ा सर्द हुआ, सल्तनत का खाना हम पर फर्ज हुआ। बिस्मिल्लाह, चले जी शुरू करते हैं। और दिस इज अ प्रॉन शेफ स्पेशल। ऊपर से सॉफ्ट सॉसी और अंदर से बहुत क्रंची है, बहुत ही यम्मी। जितना जितना बाइट मेरे मुंह में घुलता जा रहा है ना, उतने इतने फ्लेवर्स आ रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरा मेन कोर्स मेरे सामने, मेरी सल्तनत में आ गया है, और अब मैं मेन कोर्स देखूंगी। ये है जी पनीर रेशमी हांडी, और ये है जी इनका स्पेशल बारबेक्यू प्लेटर। अच्छा सब चिकन में ही है, तो पहले हम पनीर रेशमी हांडी पे अटैक करेंगे। लेकिन मैं साथ बता दूं, मल्टीपल टाइप की इन्होंने ब्रेड्स मुझे लाके दिए हैं, एक रोहनी नान है, एक चपाती है, एक पूरी पराठा है, सब अपने अपने तरीके से जो है ना उसके साथ खाया जाता है। तो पहला अटैक होगा मेरा पनीर रेशमी हांडी पे, अब इसको सर्व करते हैं। चलो भाई, अब मैं इसको किस चीज रोहनी नान के साथ खाती हूँ, जबरदस्त से मजेदार रोहनी नान। बिस्मिल्लाह जी, शुरू करते हैं हम अपनी पनीर रेशमी हांडी। ये देखिए जी, बड़ा सारा निवाला मैंने बनाया है कैप्सिकम के साथ। खाते खाते आप समझ में आ रहा है कि ये हांडी इनकी सिग्नेचर आइटम क्यों है, इतनी डिलिशियस है, इतनी फ्लेवरफुल है, और हर एक के लिए आई थिंक दिस इज फॉर एवरीवन। जो कम मसाला खाते हैं, ज्यादा मसाला खाते हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, एवरीबॉडी विल लव दिस वन। हमने पनीर रेशमी हांडी तो खाई, लेकिन अभी एक और चीज भी तो है मेरे सामने, ये भी तो खानी है, ये भी तो आपको बता रहे हैं, दिस इज द बारबेक्यू प्लेटर। चलिए भाई ये थोड़ा साइड पे रख देती हूँ। अब मेरे सामने मौजूद है बारबेक्यू प्लेटर। Let's see what's inside. क्या क्या नजर आ रहा है मुझे इसके अंदर? My goodness, भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूँ। अच्छा बारबेक्यू प्लेटर में ना यूजली ये सारी चीजें तो आपको नजर आती ही हैं, लेकिन एक इनकी बड़ी खास चीज है, वो है जी चिकन हरियाली बोटी। तो सोचिए उसी से शुरू करूँ। By the way, ये जो नान है ये ऑलिव नान है, तो ये खास इनका नान है जी, इसको खाते हैं। मैंने इनका सारा बारबेक्यू खाया, सबका अपना अपना टेस्ट है,
सब बहुत डिलिशियस है। मटन चॉप, ये थी फिश, फिश टिक्का, ये था जी बिहारी बोटी, ये थे मलाई टिक्का। लेकिन अब मैं फाइनली खाने जा रही हूँ इनका स्पेशल चिकन हरियाली। थोड़ा सा हम इसके हरी धनिए की चटनी लगाएंगे। ये बहुत डिफरेंट है, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं खाया। दिस इज वेरी डिफरेंट, टेस्ट के चार तबक रोशन हो जाते हैं ना, समझे वो हो गए मेरे। टिप है, जब आपका प्लान बने यहाँ खाने खाने का, खाली पेट आएगा ताकि मंड के खा के रहे। बहुत खा लिया, आ गया जी जूस। मुझे पता था इतना बड़ा बार बनाया हुआ तो जूस तो आएगा ही ना। ओए इतना मजे का लग रहा है, एक सिप लूं। कुनाफा, कुनाफा भी खाना है, यम्मी, आई लव कुनाफा, आई कांट वेट टू हैव इट। अच्छा उन्होंने सारी सॉसेस और मुझे क्रीम श्रीम डाल के दिया है ना, अच्छा अच्छा, इट्स सो यमी। ऊपर से इतना क्रिस्पी, वही सवैयों वाला फील, और अंदर से सॉफ्ट एंड मशी एंड यमी। बट लेट्स हैव दिस वन। अच्छा भाई, इसके अंदर जो है ना, ऊपर आप देख सकते हैं सवैयों का बेड होता है, वो तो सवैयों का बेड है, नीचे सूजी का है, ऊपर क्रीम डली भी है, शहद भी है और ड्राई फ्रूट्स भी है। जब मैं आई थी तब यहाँ पे इतना रश था, इतना रश था मतलब लिटरली मुझे लग रहा था कि शायद बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी। खैर बड़ी मुश्किल से जगह मिली। अब मैं खाती रही, मतलब अब रात के 2 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं लोग काफ़ी चले गए, लेकिन मेरा खाना ही नहीं ख़त्म हो रहा। इतना मज़े का खाना है, मेरा हाथ नहीं रुक रहा, मेरी नीयत नहीं भर रही है भाई। और ये ऊपर से उन्होंने जो मुझे ड्रिंक ला के दे दिया है, आला। Alright ji, we had a lovely time at Sultanat, meri Sultanat, aapki Sultanat, aur aapki Sultanat bhi hogi jab aap yahan aayenge, to aap enjoy karenge puri Sultanat wali situation, scenario, mazedar khana aur bahut hi amazing environment jisme sab log entertain honge, khana bhi acha, menu bhi maze ka aur entertainment values ki apni jagah। To puri sham hamari kidhar guzar gayi aur kaise ye itni raat ho gayi कुछ पता नहीं चला, और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो आप भी इन्जॉय कर सकते हैं जब आप यहाँ आएंगे। अभी आप मुझको इजाज़त दीजिए, टिल नेक्स्ट एपिसोड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।